ये जानते हुए कि ये गाड़ी बहुत रुलाती है, फिर भी मैंने इस गाड़ी को पकड़ा। स्टार्ट करके देखते। चेक इंजन लाइट आ रहा है, पूरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है बुरी तरीके से। साइलेंसर देख सकते हैं कैसे कर रहा है। थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, यानी कि एक सिलेंडर बढ़िया काम कर रहा है, दो सिलेंडर कम काम कर रहा है। पहले इग्निशन कॉइल खोल के देखते हैं। एक नंबर है, बाहर रुक जाओ। यानी इससे क्या पता पड़ गई कि हमारी वायरिंग सही है, हमारे इग्निशन कॉइल तीनों सही हैं, क्योंकि तीनों का वोल्टेज सप्लाई देख लिया, तीनों का बिल्कुल 0-0 आ रहा है। अब इसका स्पार्क प्लग खोलते हैं, देखते हैं स्पार्क प्लग की क्या कंडीशन है। ये मैंने दूसरे सैंपल के तौर पे लगा दिया। स्पार्क प्लग खोल लिए हैं और ये तीनों यहाँ रखा हुआ है मैंने स्पार्क प्लग, और यहीं से सारी कहानी समझना है। सिलेंडर एक, एक कंडीशन है। सिलेंडर दो, एक कंडीशन है। सिलेंडर तीन, एक कंडीशन है। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक बारी से कंप्रेशन टेस्ट करके देखता हूँ। कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, हमने मीटर लगा दिए, देख रहे हैं ना मीटर। मारो सेल्फ, चलो बस। तीन पे जाके घड़ी की सुई रुक गई, यानी 50 से नीचे नीचे कहानी हो गई। तीन नंबर की जो फेलियर सिलेंडर था, अभी दो नंबर में लगाया मैंने और 0-0 कर दी। चलो स्टार्ट। अरे तेरी यार, दो नंबर में कितना तगड़ा। बस ये दो नंबर की रीडिंग है भाई, कितना आ रहा है, 125 PSI आ रहा है। अब लगाया सिलेंडर नंबर एक में और ये देखो मीटर 0-0। चलो स्टार्ट। बस यानी कि ये भी दिखा रहा है 125 PSI प्लस। तीन नंबर चेक किया 45 PSI, दो नंबर चेक किया 125, एक नंबर चेक किया 125। होना क्या चाहिए, एक कम से कम 200 से प्लस होना चाहिए, 200-250 से प्लस होना चाहिए। तो इससे कन्फर्म होता है कि हमारा सिलेंडर तीनों ही डेड है। तीन नंबर जो 45 PSI आ रहा है वो तो ज़्यादा ही डेड है, और एक नंबर और दो नंबर जो बच रहा है जिसमें 125 आ रहा है वो थोड़ा बहुत डेड है। टेंडर तो हमने ले लिया है, अब गारंटी है नहीं कि बन पाएगी ये गाड़ी। यार सच बता रहे, जितनी गाड़ी पकड़ी है इको बूस्ट तीन सिलेंडर वाली, साली इतनी रुलाई है कि हमारा टीम भी परेशान हो गया। इस वजह से मैं ही लग रहा हूँ अब क्या करूँ सवेरे से। तो अब फाइनली हम इसका हेड उतार रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई दिक्कत नहीं है, फंसेंगे जब फंसेंगे, नहीं तो सीखेंगे कहाँ से। तो रोने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पता नहीं ये गाड़ी हो पाएगी कि नहीं। नहीं होगी तो भी दिखाऊंगा एंड तक, और हो जाएगी तो आप लोग देखते रहना, ठीक है। तो नहीं होगी तो फिर एक फेलियर की गाड़ी है जाने वाली है पहली क्योंकि मुझे लक्षण पता है कारण। एक कई जगह से होके आई है, कस्टमर खुद बता रहे थे, बहुत दूर से कस्टमर आए गुड़गांव से, है कि नहीं। वो बताया कि कंपनी में काम होता रहा, लेकिन पता नहीं क्या उल्टा सीधा रेट वेट का कुछ पता नहीं, पर ज़्यादा रेट मुझे लग रहा बताए होंगे। इस इंजन का 4-4.5 लाख ऐसा मैं आइडिया लगा रहे हैं। चलो खोलो हेड भाई। हेड खोलने जा रहे हैं और खोलते हुए मुझे पता पड़ रही है, देख रहे हैं ना अंदर की चूड़ी, ये वाली देखो, ध्यान करो ये चूड़ियाँ कुछ चमक सी रही है, नया नया यानी काम हुआ पड़ा है इसमें भाई। गाड़ी के डिक्की में देखा तो कुछ सामान पड़ा हुआ था, स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, टैपिट की कवर पैकिंग, देख रहे हैं ना फोर्ड के सारे सामान। ये बात है, ये चैम्बर खुल गया भाई। अरे ये कुछ टूटा हुआ है भाई, कुछ टूटा हुआ है, गड़बड़ है। निकालो नीचे, इधर निकालो। ये देखो, ये कह रहा हूँ क्या पत्ती पत्ती सी है यार, ये तो पिस्टन टूटा हुआ है यार।
अरे तेरी यार, पिस्टन ही है ना ये? हाँ, कुछ और है? पिस्टन रिंग है। ओ मैं तेरी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? फिर तो यार बड़ी अजीब प्रॉब्लम है यार, इसलिए कंपनी ने मुझे लग रहा हाथ खड़े कर दिए थे। शायद उनको भी नहीं पता कि ये पिस्टन टूट गया होगा। पर यार खोलो इसे यार, तो खोल के देखना पड़ेगा यार। हेड उतारो तभी पता पड़ेगा भाई, हेड फिक्स है भाई, रखा हुआ देखो। और ये हेड से पहले की कहानी है यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा मामला यार। अभी भाई हेड को अब खोल दिया पूरा, इधर से टाइमिंग, इधर से ये, ठीक है जी। कंडीशन देख लो, निकालो हेड को, निकालो जरा, पेचकस लगा। चलो चलो हटाओ। पिस्टन कौन सा टूटा है यार? ऐसे तो टूटा हुआ नहीं दिख रहा यार। है गैसकेट निकालना, निकालो इसको गैसकेट को। अरे उसमें केम फंसाओ जरा, दिखाओ जरा भाई। ये कंडीशन है हेड के वालों की, देख रहे हैं ना, ये है एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। यानी एक नंबर क्या है कहानी, डेड है। दो नंबर थोड़ा सा डेड है। तीन नंबर ज़्यादा डेड है। एक नंबर तो नहीं है, लेकिन तीन नंबर का ऐसा लग रहा है कि कुछ रिंग विंग गड़बड़ गया हुआ है। तीन नंबर की कहानी, अभी पिस्टन को भी खोलेंगे, और ज़्यादातर करके तीन नंबर पिस्टन टूटने का चांसेस है। तो पहले तुम तीन नंबर का खोलो, सबसे पहले देखें ये जो तीन नंबर नीचे है, इसका पिस्टन टूटने का चांस है। पहले इसको खोलो, तीन नंबर वाले को। आराम से चलो 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 चलो, कैसे गिर जा रहा भाई ये? चलो आराम से चलो, थोड़ा ठोको, देखना बैरिंग पे चोट ना लगे। ओए है, तो भाई ये तीन नंबर जो डाउट था वही टूटा हुआ निकला। क्या बात है भाई साहब, ये फॉल्ट देखो, पहली बार जिंदगी में ऐसे भी फॉल्ट आते हैं। तीन नंबर का पिस्टन ही टूट गया, ऐसा साइड टूटा हुआ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। रिंग भी इसका निकला हुआ है, पलटा हुआ रिंग है वो। ये देखो, ये पहली बार जिंदगी में मैं भी ऐसा टूटा हुआ पिस्टन देख रहा हूँ। देखो जी, ये चीज़ें चैम्बर में टूट के गिरी थी, जो चैम्बर पहले खोला था। अभी देखो इंजन की कंडीशन कहाँ है, चैम्बर में से निकालो जरा। ये देखो, ये देखो, यहाँ का टूटा हुआ था, देख रहे हो नहीं? और ऊपर करो इधर से, ये देखो यहाँ का टूटा हुआ था ये मामला। देखो टूट के चैम्बर में गिर गया था ये। अरे इतनी बड़ी भारी गाड़ी बना रहे हो, पिस्टन बना रहे हो बिल्कुल लल्लू दास वाला है। क्या ज़रूरत है इतना हल्का पिस्टन बनाने के? देखो कितनी भारी गाड़ी है यार, है कि नहीं? ये कोई पिस्टन है यार, थोड़ा सा और मोटा पिस्टन कर देते यार, बिल्कुल मारुति 800 से भी कमज़ोर पिस्टन लग रहा है मेरे को। इतना हल्का पिस्टन, ये तो पिस्टन ही गया, डेड हो गया। अभी पूरा मेरे को इंजन दोबारा से एक सिरे से करना पड़ेगा ज़रूर, इसके रिंग पिंग डालने पड़ेंगे ज़रूर। बस क्या कहानी है, तीन नंबर का कंप्रेशर रेशियो 45, दो नंबर का 125, एक नंबर का कंप्रेशर रेशियो 125 प्लस। यानी तीन नंबर का 45 कंप्रेशर रेशियो, तभी बहुत ज़्यादा मन के अंदर डाउट हुआ यार, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने मेरे को बताया था कि पहले, इससे पहले आपके आने से पहले, इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, इंजेक्टर, ये सारे टेस्ट हो चुके थे, समझो कि मिसिंग मिली नहीं थी, कि मिसिंग है कहाँ से। तो आज पूरा और भी डिटेल में बात करूँगा। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम, मैं मुकेश चंद्रगुण, नोएडा भारत से। ये टूटा क्यों? ये वियर एंड टीयर की वजह से टूटा। जब भी कोई इग्निशन कॉइल पहले ख़राब हुई सबसे पहले, और वो इग्निशन कॉइल जब सही स्पार्क नहीं करेगा तो क्या होगा, ये वियर एंड टीयर आएगा अंदर, टेढ़ टेढ़ जो लगेगा ना वो नहीं लग पाएगा, जिसकी वजह से साइड में पिस्टन या फिर टेढ़ा वेढ़ा चलने लगेगा। पिस्टन अपने आप ही, अब क्रेंक के सहारे चल रहा है पिस्टन, ऊपर स्पार्क नहीं हो रहा, तो ये डिसबैलेंस होगा, ये वियर एंड टीयर होगा, चाहे ऐसे स्लिपों में होगा, हल्का सा भी स्लिपों में प्ले हुआ या कोई जर्क लगा, टूट जाएंगे। कभी भी मिसफायर होता है तो देखेंगे कि मिसफायर होता है तो चेक लाइट ब्लिंक करती है इस गाड़ी में, क्यों?
ये टूटे ना, क्योंकि मिसफायर होगा, इंजन धड़ 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 ऐसे ही हैंटिंग करेगा, और जब हैंटिंग करेगा ना तो कुछ ना कुछ तोड़ेगा, चाहे वो पिस्टन ही क्यों ना हो। तो इसने इस पर पहले मिसिंग हुई थी, कोई प्लग खराब हो चाहे इग्निशन कॉयल खराब हो, और मिसिंग ने कहानी खराब कर दिया, इसको तोड़ दिया, प्लग डाल दिए, इग्निशन कॉयल डाल दिए, तो भी मिसिंग गई नहीं भाई, अंदर फॉल्ट है। तो कहाँ से समझ में आएगा कि क्या है, कितने मिस्त्रियों को दिखाए, कोई कहा ये है प्लग है जी, कोई ये है वो है, हमने बोला यार अंदर प्रॉब्लम है इंजन के हेड में, खोला तो हेड तो निकला ही निकला, ये भी ख़त्म निकला, ये देखो। तो ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट टू में इंजन ओवरऑल का जानेंगे कि ये इको बूस्ट जो है 3 सिलेंडर का इंजन ओवरऑल का वीडियो, वो कैसे इंजन ओवरऑल करें सारा डिटेल में जानेंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू यार बहुत, आप लोग लाइक कर रहे, फॉलो कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, तो दिल से थैंक यू, शेयर भी करते रहिएगा तड़ातड़।